हाय गाइज मैं हूँ रागनी वेलकम बैक टू माय चैनल इसका नाम है मैजिक शॉप एंड आज का कल वीडियो है इन द टॉल ग्रास मूवी का नाम है एंड मूवी रियली में बहुत ही अच्छी है एंड सो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एक लड़की होती है वहाँ पे उसका नाम था बेगी एंड वो और उसका भाई कॉल वो दोनों जा रहे होते हैं दोनों की बातें चल रही होती हैं उस टाइम पे हम लोग को समझ है व्यवर्स को कि बेगी जो है वो थोड़ी कंफ्यूज रहती है अपने बच्चों के लिए कि क्योंकि वो सिक्स मंथ प्रेगनेंट रहती है एंड उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसको बेबी नहीं चाहिए होता है एंड बेगी को चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है वो कन्फ्यूज होती है इस चीज़ में वो चाहती है कि इस बेबी को मैं करके कहीं कि किसी को दे दूं किसी फैमिली को ताकि मैं अपने बॉर्फ्रेन के साथ रह सकूं बट वो विक्स मंथ कंसीव कर चुकी होती बेबी को तो इसलिए कन्फ्यूज होती है कि मैं इसको रखूं या किसी को दे दूं इसी बीच उसको नोजिया होती है उसका भाई कुछ खारा होता है उसको वॉमिटिंग से फील आती है एंड वो बोलती है कार रोकने के लिए कार रोकते भी हैं वो लोग जैसे ही वामिट करती है उसके उसको कुछ आवाज़ आती है देखती है कि पास बहुत लंबे लंबे घास हैं ग्रास हैं उसको वहाँ से कुछ किसी बच्चे की आवाज़ आ रही होती है और बोलता है हेल्प 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 वो सोचते बचाने के लिए जाते हैं अंदर वो लोग एंड से श्रुति कहानी बेगी और कॉल दोनों हैं अंदर खोजने के लिए टॉफिन को जो बच्चे की आवाज़ सुनते हैं वो लोग स्टार्टिंग में वो जाते हैं अंदर पर वो कहीं ना कहीं तो से अलग हो जाते हैं एंड जब वो देखते हैं कि हम दोनों अलग हो चुके हैं नहीं मिल रहे हैं तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम तीन क्लाब्स पे जंप करेंगे एंड देखेंगे तीनों कहाँ पर हैं हम दोनों वो जंप करते हैं जब वो दोनों तीन क्लाब्स पर फर्स्ट टाइम क्लैप में देखते हैं कि हाँ बहुत नज़दीक हैं लेकिन सेकेंड टाइम पर उसको कहीं दिखता नहीं है कॉल बेगी को इसका थोड़ी सी वो परेशान जाती है एंड रात हो जाती है रात होने के बाद में कहीं ना कहीं जो बेगी होती है वो बहुत डरी होती है उसको उस टाइम पर रोज़ नाम का एक बंदा मिलता है जो कि टॉफिन का फादर बोलता है अपने आप को एंड वहीं पे उसको भाई को कॉल को उसको टॉफिन मिलता है जो बताता है कि मैं ही हूँ टॉफिन जिसने आपको हेल्पली बुलाते हैं यहाँ पे रोज़ बोलता है बेगी को कि हम दोनों को साथ रहना चाहिए तभी हम जाके पहुँच पाएंगे अपनी मंजिल तक क्योंकि मैं भी यहाँ अपने बच्चे और अपने बीवी को खोजने के लिए आया हूँ एंड हम दोनों को साथ रहना बहुत जरूरी है इसी टाइम पे कॉल से बात होती है उन लोगों की एंड कॉल जब बोलता है कि हाँ ठीक है बेगी को लगता है कि हाँ ठीक रहेगा तो उन साथ चले जाते हैं एंड वो दिखाते हैं कि जो टॉफ़िन मिलता है कॉल को वो उसको अजीब साथ करता है साथ में उसके टॉबिन बोलता है कॉल को कि मुझे भी यहाँ किसी ने किसी को हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे आया था और इस दौरान मैं यहाँ फंस गया हूँ एंड तुमको मिलना है अपनी बहन से बोलता है हाँ मुझे अपनी बहन से मिलना है तो बोलता है जल्दी ही वो मर जाएगी फिर तुमसे मिल पाओगे ये सुनिए कॉल था परेशान होता है क्या बोल रहा है ये पर उस टाइम पर उसको ले जाता है उठा के वहाँ पे एक बीच बीच में जहाँ पे ग्रास के बीच में एक वहाँ पे रॉक होती है बहुत बड़े पत्थर होता है वहाँ ले जाता है उसको वो वहाँ पत्थर को छूता है उससे गोस बम आ जाते हैं एंड वो बोलता है तुम भी से टच करो तुमको अच्छा फील होगा जैसे ही टच जाता है वहाँ पे खोलो उसको उस टाइम पर उसको आवाज आती पैगी की एंड वो नहीं टच करता उस पत्थर को कौन वहाँ से भागता है बचाने के लिए पेगी को और वहाँ से सीन चेंज होता है हम देखते हैं कि कोई आदमी आता है पैगी और कॉल की फोटो लिए वो खोजते हुए और यह कोई और नहीं कॉल पैगी का बॉयफ्रेंड होता है एंड उसको देखते हैं कि जब वो ग्रास के पास पहुँचता है उसको वाजा आती है बचाओ हेल्प 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 वो जाता है कार को पार्क करता है वहाँ पे चर्च के पास में जहाँ दिखता है कि वहाँ पे कॉल की भी क्या कार होती है जिसमें बहुत धूल मिट्टी जमी होती है वो वहां से जाता है ग्रास के पास में वहाँ देखता है वहाँ बुक होती है कॉल की जो नीचे गिरी हुई होती है और उसको वाजा देती है टोफिन की बचाओ बचाओ वो अंदर तो उस टाइम दिख, हैं कि वो सभी जो रास्ते में पड़ रही है वो उनको फोल्ड करता है ताकि वो रास्ता बना सके और भूल ना जाए रास्ता आने का इसे फोल्ड करता है उनको पर जैसे वो ट्रेवल आगे मूव करता है वो कार जो होती है वो घास वो सब खुल जाती है ग्रास वो हमको समझाते तो पाते हैं कि घासों में जो है कुछ अलग ही है ये घास ऐसे नहीं है नॉर्मल एंड जब अंदर जाता है और दिखता है टॉफिन दिखता है उसको टॉफिन उससे अलग अजीब बातें करता होता है जिससे थोड़ा परेशान होता है एंड वो बोलता है कि मैं पैगी को तुम खोज रहे हो तो बोलता है हाँ मुझे पैगी चाहिए तो बोलता है पैगी मर चुकी है और उसको डेड बॉडी के पास ले जाता है डेड बॉडी के पास जाने के बाद में टॉफिन वहाँ से गैप हो जाता है और वहाँ पर ट्रैवल अकेले रह जाता है और ट्रैवलर्स पेगी की डेड बॉडी के पास रोते रोते सो जाता है जब सुबह आंख आग खुलती है उसकी तो उसका आवाज़ आ जाती है टॉबिन की वो उसको लिए बुलाता है इतने में टॉबिन का जो कुत्ता होता है वो आता है अंदर और फिर टॉबिन और फिर उसकी माँ उसके पापा और वो सब वहाँ पे फंस जाते हैं आके टॉफिन की फैमिली अंदर फंसने के बाद में बेगी एंड कॉल आते हैं बचाने के उनको यहाँ हम देख पाते हैं कि सीन थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है बट ये पूरी तरह से लूप की तरह काम करता है ट्रैवल जो आया था अपनी गर्लफ्रेंड को खोजने के लिए वो अंदर फंसता है वो बुलाता है टॉफिन को टॉफिन की फैमिली अंदर फंस जाती है फिर आते हैं कॉल एंड बेगी वो अंदर जाते हैं वो फंस जाते हैं ये एक तरह से लूप की तरह काम करते रहता है और एक और चीज बात जो टॉफिन ने पहले कही थी कि यहाँ पे ग्रास के अंदर मरे हुए चीज़ मूव नहीं होती हैं ग्रास के अंदर जाना वहां से वापस नहीं आना दूसरों को बुलाना ये एक नेवर इंडिंग सर्कल है जो एक दूसरे के साथ ऐसे फंसे हुए हैं कि ये खत्म नहीं हो सकता एनएचआर चारों अंदर फंसे हुए हैं। हम देख पाते हैं कि चारों के चारों की आवाज सुन पा रहे की उसी टाइम टोबिन बोलता है मेरा कुत्ता मरा हुआ है एंड ट्रैवलर्स को याद आता है कि यहाँ पे मरी हुई चीज़ें मूव नहीं होती हैं तो ट्रैवलर्स बोलता है कि तुम जहाँ पे भी हो वहीं से तुम चिल्लाओ हम सब तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारे कुत्ते के पास में और ये प्लान वर्क करता है वो सब पहुँचते हैं उस कुत्ते के पास में जहाँ पे कुत्ता मरा होता है एंड ट्रैवलर जो होता है वो ट्रैवलर्स जो टोबिन को अपने शोल्डर पर आता है एंड उसको बोलता है देखो यहाँ कुछ दिख रहा है क्या वो बोलता है यहाँ पास में यहाँ पे बिल्डिंग दिख रही है तो बोला हम वहाँ जाएंगे हमको तुम डायरेक्शन बताओ डायरेक्शन बताता है टोबिन उनको और वहाँ जाते हैं मिलने के बाद में कॉल बोलता है तुम यहाँ क्यों आए है ट्रावलस को ट्रेवलर्स बोलता है कि मैं तुम लोग के खोने के दो महीने बाद यहाँ आया हूँ यानी कि यहाँ चीजें एक लूप में हो रही हैं और टाइम को बहुत ही आसानी से यहाँ बेंड किया जा रहा है इस ग्रास में फंसे हुए लोग एक दूसरे को बार बार अंदर फंसाते हैं और टाइम रिपीट होता रहता है वो सब बात करते हुए आके जा रहे होते हैं उस टाइम पे बेगी को एक कॉल आता है जो कि बेगी की आवाज होती है और उसको बोलती है कि कॉल ट्रेवलर्स को हर्ट ना करे अदरवाइज ये लोग इस चीज को रिपीट करते रहेंगे चीज़ को इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ते हैं आगे जाते ही बिगी जो होती है वो बेहोश जाती है बिगी बेहोश होने के बाद सपना देखती है सपने में देखती है कि जो ग्रास है वो उसके बोन्स के अंदर जाके उसके बच्चों को सर्कल कर रही होती हैं इतने में ही टॉफ़िन का फादर आता है और वो उसको होश में लाता है होश में आने के बाद में वो सब बोलते हैं कि रोज जो टॉफिन का फादर होता है वो बताता है कि मैं यहाँ से रास्ता जानता हूँ बाहर जाने का तुम लोग मुझे फॉलो करो मैं तुम्हें बाहर पहुँचा दूंगा तभी तो ट्रैवलर्स बोलता है कि हम बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हम से एक पाते हैं कि बिल्डिंग अपनी जगह शिफ्ट कर लेता है, जो के फादर होता है, वो है तुम मुझे वहां पे लेके आते हैं उसको लेके आने के बाद में रॉक के पास आने के बाद में जो रॉस होता है उसका बिहेवियर अलग हो जाता है और जैसे ही रॉस रॉक को छूता है वो अलग बातें करने लगता है कि पत्थर बहुत पुराना है बहुत अच्छा है ये वो उसको छुआ फ्यूचर दिखता है हमको विज़न दिखता है ये सब अजीब से वहाँ साइड में बैकग्राउंड में अजीब से चैंटिंग भी होती है जिसको हम सुन पाते हैं एंड उनका भी शौक रहते हैं और उसकी बातें सुन के बाकी लोग भी शॉक रहते हैं क्या बोल रहा है ये उसी टाइम पे जो रॉस की वाइफ आती है वो आती है वो बोलती है मैंने अभी अभी बेगी की लाश दिखी है वो देख के बट वहाँ पर खड़ी होती है काफ़ी शॉक रहती है क्या हो रहा है ये एंड उसकी वाइफ बोलती है रॉस के ऊपर ट्रस्ट मत करो ये इंसान सही नहीं है नाटली की बातें सुन के बाते रोस को बहुत गुस्सा आता है एंड वो उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है ऐसे टाइम पे ट्रैवलर्स की जो आर्म्स होते हैं उसको बहुत ऐसे हट करता है उनके बीच बहुत हाथापाई होती है एंड जो टॉफन होता तो है बहुत डर जाता है वो डर के जाता है बेकी के पास में एंड वो सोचते हैं कि अपना रास्ता खुद सोचेंगे इस टाइम पर जो नाटली होती है वो बीच में आती है एंड जो रोस होता है वो उसके सर को अपने हाथों से कुचल देता है नाटली को मारने के बाद में रोज वो पीछा करता है का, उनको मारने के लिए जाता है वो चारों भागते भागते एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं वहां छिप जाते हैं छिपने के बाद में वो चारों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं इस सीन में हम देख पाते हैं कि सभी लोग मर के जिंदा होते हैं लाइक ग्रास एंड उनका पीछा कभी भी वो ग्रोस तो लोग जाके छत पे छिप जाते हैं वो चारों छत के ऊपर रहते हैं एंड उनको दिखते हैं वहाँ पे चारों जाके कि एक डॉगी जो था टॉफिन का वो एक वहाँ होल होता है उसके अंदर जाता है जाने के बाद में सीधा वो वहां से बाहर आता है रोड के ऊपर आने के बाद में जो ट्रैवलर्स था वो काफ़ी शॉक होता है सकस है एंड वो बोलता है कि हो ना हो रास्ता यही है बाहर निकलने का हमारे पास में और वो जाता है जो छत तक लेना है वहाँ जाता है देखने के लिए इतने में एक कॉल आता है और उसको धक्का देता है धक्का देने के बाद में वो वापस आता है कॉल पेगी के पास में बोलता है कि चलो हम भागना है आजम को क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर जो रोज़ था वो भी वहाँ आ गया होता है वो भागते हैं और भागते भागते टॉफिन के साथ में भाग के जाते हैं ग्रेस के पास में ग्रास के पास जाने के बाद में जो पेगी होती है उसको पता चलता है कि ना कहीं की कॉल ने ट्रैवलर्स को हर्ट किया है इसलिए गुस्सा होकर ग्लास के अंदर टॉफिन के साथ में जाने के बाद में जो ग्रास रोज होता है वो पीछा करा होता है कॉल का कॉल का पीछा करते करते वो ग्रास के पास पहुंचता है और कॉल के ऊपर अटैक करता है और उसको कोशिश करता है वहीं हम देख पाते हैं कि यहाँ पे तीन चार बॉडीज और पड़ी होती हैं जो कॉल की हुई होती हैं दैट मीन्स ये बहुत टाइम से टाइम चल रहा होता है और यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ट्रैवलर्स वो अंदर आता है ग्रास के अंदर आने के बाद में वो बिग्गी से बातें करता है बिग्गी बताती है कि मैं पहले सोचती थी मैं इस बच्चे को अडॉप्ट कर दूंगी इसको मैं नहीं रखूंगी कि मैं किसी को दे दूंगी इसको बट

एंड उसके पास में बहुत से ग्रास सिपल होते हैं जो उसको उठाते हैं और चैंटिंग करते हुए उसको अपने हाथों ही हाथों से उसको उस रॉक के पास ले जाते हैं बेगी रॉक के पास अकेले होती है उसके पास कुछ नहीं होता है तो वहाँ देखती है वो फ़ोन खोजती है अपना फ़ोन खोज के वो नेक्स्ट साइकिल वाले बेगी को कॉल करती है जो कि ने, नेक्स्ट मॉर्निंग आने वाली होती है अंदर कॉल करती है उसको कि किसी भी तरह से कॉल ड्राइवरस को हर्ट ना करे अदरवाइज तुम बहुत प्रॉब्लम फंस जाओगी करने के बाद में वो देखती है उस रॉक के ऊपर बहुत से साइन बने होते हैं बेबी बर्थ को लेके एंड बेबी जो बेगी होती है उसको ड्रीम आता है कि जो ग्रॉक के पास सारी ज़मीन है वो फटने वाली है और वहाँ बहुत सारे हाथ आने वाले हैं जो कि उसके बच्चे को कहीं ना कहीं अंदर लेना चाहते ऐसा होने के बाद में जब वो होश में आती है देखती है उसका भाई कॉल वहां होता है उसके बेबी के साथ में एंड उसको पानी वाला कुछ खिला रहा वो और जब वो पूछती है क्या मैं खा रही हूं तो बोलता है तुमको मैं घास खिला रहा हूं बट वो घास नहीं होता वो उसकी बेबी को खिला रहा होता है बेगी को जब बेगी बोलती बच्चा दिखा मुझे जैसे दिखाता है बच्चा तो बच्चे के पास में सिर्फ हड्डियां होती हैं क्योंकि वो सब जो उसके मांस थे वो उसको खिला चुका होता है पहले से ही और इतने दिखाते हैं कि जो कॉल था वो कॉल नहीं ग्रॉस के रूप में बदल जाता है एंड वहां पर टोबिन आता है और वहाँ पर ट्रेवलर्स भी आता है और टोबिन बोलता है कि मेरे पापा तुम लोग के लिए खतरा है वो तुम लोग बार बार मार रहे हैं रॉस ट्रेवलर्स को बुरी तरह से घायल करते हैं मारते पीटते हैं एंड टोबिन को बोलते हैं तुम वो जो रॉक था उसको टच करो वो उस बच्चों को बहुत बुरी तरह से फोर्स करते हैं ये देख के जो बेगी होती है वो उसके ऊपर अटैक करती है ग्रास की हेल्प से और उतना वहाँ से भागने लगते हैं फाइट होती है फाइट होने के बाद में जो बेगी होती है वो भी मर जाती है एंड रोज वो भी मर जाता है ट्रेवलर्स एंड वहाँ बचता है टोफिन ट्रेवल्स बचने के बाद में वो सोचता है कि ये सब चीज़ें वापस से रिमाइंड होंगी वापस से रिपीट होंगी तो इसीलिए वो जो रॉक होता है उसको टच करता है एंड टच कर उसको अजीब सा फीलिंग आती है वो बोलता है उसका जो बेगी के पॉकेट में एक पेंडेंट था वो निकालता है चैन और पेंडेंट निकाल के देता है टॉफिन को बोलता है ये होल के अंदर जहाँ से डॉगी गया था वहां से तुम जाओ और जाने के बाद में दिखाते हैं कि वो होल के अंदर जाने के

पैंडेट देखने के बाद में कहीं ना कहीं बेगी को यकीन हो जाता है कि हाँ ये बच्चा सच बोल रहा है एंड वो वहाँ से जाने को डिसाइड करते हैं जैसे ही वो कार में बैठते हैं वहाँ पे बेगी बोलती है मैं अपने बच्चों को ना साथ रखूँगी मैं सुखी सुख दूँगी नहीं एंड वहाँ से निकलते हैं और हम देखते हैं व्यूवर्स की जो ट्रैवलर्स था वो उस ग्रास के अंदर ही मर जाता है मैं आपको मूवी रिकमेंड करूंगी मूवी रियली में इंटरेस्टिंग है बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है अलग चीज़ लगा मुझे कुछ तो समझ आया इतनी सारी ग्रास और यहाँ पे चीज़ें कुछ मैं पॉइंट क्लियर करूंगी जिससे आप मूवी देखने में आसानी हो ये ग्रास बहुत बिग थे एंड इसके अंदर बहुत से लोग थे फंसे हुए थे जिनकी मौत होने के बाद में वो इसी टाइम डुब में फंसे हुए थे एंड ऐसा नहीं है कि पहले को होना ये बोलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सभी जितने भी आ रहे थे आवाज़ सुन के ही आ रहे थे अंदर जो ग्रास होती है उनका खुलना जब उनको ट्रैवलर्स मोड़ता है खोलना वो बिल्डिंग की डायरेक्शन चेंज होना सन की डायरेक्शन चेंज होना और यहाँ पे टाइम का भी अलग ही चल रहा था जैसे हम देखते हैं जब वहाँ पे जब चर्च के पास कार पार्क होते हैं सभी कार की अलग अलग टाइम की कार होती हैं कुछ न्यू जनरेशन की होती हैं कुछ ओल्ड कुछ मिडल तो हम समझ पाते हैं कि ये ग्रास के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही होती है जो कोई और नहीं जो रॉक था वो चला रहता है वो रॉक के छूने के बाद में जितने भी लोगों ने छुआ था रॉक को उनके पास एक अलग ही पावर होती है वो सब कुछ जान पाते हैं ग्रास लैंड के बारे में एंड बाहर की दुनिया के बारे में और उनके पास दो चॉइस भी होती हैं जैसे कि हम देखते हैं कि कॉल जो ग्रॉस था वो कैसे मारता है ट्रैवलर्स को बाकी लोगों को एंड जो ट्रैवलर्स था जब टच किया तो उसने कैसे उस टॉफिन को जाने दिया वहाँ से तो ये सब चॉइस होती है कहीं ना कहीं हमारी उनकी जो सोल थी वो करप्ट हो गई थी अंदर जाने के बाद में सो हम देख पाते हैं यहाँ पे चॉइसेस के बारे में एंड एंड मैं आप सबको इतना कहना चाहूंगी मूवी जरूर देखो पसंद लगी मुझे पसंद है काफी पसंद आई एंड आई होप वीडियो को पसंद आया होगा इसको लाइक करो शेयर सब्सक्राइब अशेष कमेंट्स करो एंड कीप पॉचेन कीप स्मिंग